दोस्तों आपको पता है कि अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ओ माई गॉड आने वाली है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि एक्शन किंग अक्षय कुमार की ओ माई गॉड फिल्म लगातार उलझती जा रही है, जिससे अक्षय कुमार पूरी तरह कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा सा बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा हमको सिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब से फिल्म ओ माई गॉड को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट को भेजी गई, तब से मामला बहुत ही गंभीर हो गई है, जो कि अक्षय कुमार के साथ पहली बार हुआ है। और दोस्तों खबर यह भी आई है कि सेंसर बोर्ड ने इसे रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया है, जिसने ऑडियो और वीडियो में कुल मिलाकर 20 कट सुझाए हैं। इस मूवी में अक्षय कुमार भगवान शिव का किरदार करते नजर आएंगे और कुछ सीन सेक्स पर आधारित है, जिसके कारण मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। इन कट्स के बावजूद फिल्म को एक सर्टिफिकेट का सुझाव दिया गया है, जो कि फिल्म जगत में ऐसा पहली बार हुआ है। जो कि इस खबर सुनकर पब्लिक काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट मिलने पर सिर्फ 18 प्लस लोग ही सिनेमाघरों में देख सकते हैं, क्योंकि यह मूवी का बेस सेक्स एजुकेशन पर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आखिर दोस्तों क्यों कट्स और सर्टिफिकेट्स की सिफारिश के बावजूद भी ओ माई गॉड को लेकर कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि फिल्म में मास्टर बेस का मामला भी सामने आया है। और दोस्तों इस मामले को सेंसर बोर्ड हरी झंडी दिखाने में पूरी तरह घबरा रही है, जिससे लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, क्योंकि ओ माई गॉड में भगवान भी केंद्रीय पात्र हैं। जो कि यह फिल्म कोर्ट रूप से पूरी तरह ड्रामा है, जहां एक पिता अपने बेटे के लिए लड़ता है, जो कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाती है। और इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने एक गाना भी हर हर महादेव रिलीज कर दिया गया है, जिसमें अक्षय कुमार नृत्य करते हुए तांडव करते हुए दिखाया गया है। और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम और रामायण के राम अरुण गोविल भी नजर आएंगे। और यह मूवी अगले महीने 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और उसी दिन सन्नी देओल की गदर 2 भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपको कौन मूवी देखना पसंद है, हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। और बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड न्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।